ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जहाँ नावल पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिटरी फॉर्म है इट्स क्विट ट्रू बिकॉज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब ने अपने पूरे लाइफ टाइम में कोई ना कोई नावल तो पढ़ा ही होगा या फिर किसी नावल से इंस्पायर्ड कोई मूवी देखी ही होगी तो अगर मैं आपको बोलूँ दैट दिस लिटरी फॉर्म इज रिलेटिवली न्यू टू दर्ल्ड तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन तो हाँ आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि एटीन सेंचुरी से पहले ऐसा कोई लिटरेरी पीस का एग्जिस्टेंस ही नहीं था इन इंग्लिश लिटरेचर जो नोवेल की डेफिनेशन में फिट बैठे सो हे एवरीवन नमस्ते मस्ते मे पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी को तो पता चली गया होगा वो है द राइज ऑफ नोवेल इन द एटीन सेंचुरी और साथ ही साथ हम थोड़ी बहुत बात करेंगे पोर व्हील्स ऑफ नोवेल के ऊपर लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स नॉवल एक फिक्शनल प्रोज है जो एक कंसीडरेबल लेंथ में होता है इसका जो प्लॉट है वो कैरेक्टर्स के एक्शन स्पीच एंड था के द्वारा अनफोल्ड होता है थ्रू आउट द स्टोरी सो वर्ड नॉवल डिराइव फ्राम द इटालियन वर्ड नोवेला जिसका मीनिंग है न्यू और अ शॉर्ट स्टोरी ऑन समथिंग न्यू अगर हम नावल की सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं तो अ नावल इज एन इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव ऑफ सिग्निफिकेंट लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी दैट डील्स इमेजिनेटिवली विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस सो द फॉर्मलाइज टर्म नावल जैसे कि मैंने पहले ही कहा का यूज एटीन सेंचुरी के पहले नहीं किया गया था मिडावल पीरियड में इसको एज अ सॉटन टेल कहा जाता था ऑल दो का राइज इंग्लिश सोसाइटी में एटीन सेंचुरी में हुआ इस बात को याद रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि दिस काइंड ऑफ लिटरेचर डिड नॉट इमर्ज ओवर नाइट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द नावल टू इवॉल्व एंड इमर्ज एज न्यू एंड परफेक्ट लिट्रे जॉनरा तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द नावल इट्सल्फ इसकी एवोल्यूशन को एग्जामिन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है तो चलिए हम लोग शुरुआत से शुरू करते सो एटीन सेंचुरी से पहले स्टोरी टेलिंग बाई औरल ट्रेडिशंस लाइक प्ले एंड एपिक पोएम ज़्यादा डोमिनेंट थी और नावल का कॉन्सेप्ट भी उतना ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं था तो राइटर्स ने इस फॉर्मेट को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया उन्होंने पहले से वेल स्टैब्लस लिटरेरी फॉर्म्स का यूज़ किया जिससे लोग पहले से ही फेमिलियर थे मोर ओवर वो उस टाइप की स्टोरीज ज़्यादा पसंद करते थे जिसमें मोरल लेसन होते थे बिग हीरोज़ के बारे में बताया जाता था ना कि एवरीडे लाइफ लाइक इन नॉवेल्स तो इस वजह से राइटर्स ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही कंटेंट प्रोड्यूस करते थे नावल जैसे कि हम आज पढ़ते हैं उसके पास्ट में एक्जिस्टेंस ना होने के कई कारण थे जिसमें से कुछ इस तरह है नंबर वन बैतिन पीपल स्टोरी ज़्यादातर सॉन्ग्स प्लेस एंड पोएम के थ्रू सुनना पसंद करते थे और उस टाइम मेनली रिलीजियस बुक और स्कॉलरी टेक्स्ट अवेलेबल थी यूजुअली वेल्दी एंड रिलीजियस लीडर्स को गुड एजुकेशन मिलता था सो so, ज़्यादातर लोग स्टोरीज औरली सुनना ही पसंद करते थे क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोगों को पढ़ना आता ही नहीं था नंबर टू बुक्स वॉज वेरी एक्सपेंसिव जो मशीन्स और मेथड्स यूज की जाती थी उस टाइम पे फॉर प्रिंटिंग बुक्स वे आर ओल्ड एंड स्लो पब्लिशर्स सिर्फ कुछ ही बुक की कॉपीज प्रिंट कर पाते थे इसीलिए वो एक्सपेंसिव होती थी तो सब उससे अफोर्ड नहीं कर सकते थे एंड लास्टली सोसाइटी उन स्टोरीज़ को ज़्यादा वैल्यू देती थी जो ग्रेट हीरोज किंग और गॉड के ऊपर लिखी जाती थी तो फिक्शन जो प्रोड्यूस हुआ नोवेल के इंट्रोडक्शन के पहले वो किसी एक्चुअल पीपल पर बेस्ड नहीं होते थे बल्कि उन कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होते थे जिनसे सब पहले से ही फेमिलियर थे ऑथर सच एस मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे वर्क लिखे वो उन स्टोरीज़ को ही लिखा करते थे जिससे ऑडियंस पहले से ही फेमिलियर थी सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एटीन सेंचुरी से पहले टेक्नोलॉजी सोसाइटी नोवेल के डेवलपमेंट में चैलेंजिंग थी जैसे जैसे ये सभी फैक्टर्स चेंज होने शुरू हुए नोवेल को डेवलप करने का प्रॉपर स्टेज मिला विद द राइस ऑफ एटीन सेंचुरी तो अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि एटीन सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि नोवेल को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई तो इसका कोई एक रीजन नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं सो द फर्स्ट रीजन वॉज द राइज ऑफ मिडिल क्लास ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी ट्रेडिंग एंड बिजनेस ने बहुत ज्यादा ग्रो किया सो दिस मेड अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल मोर पावरफुल जिनको मिडिल क्लास कहा गया जो कि पुअर भी नहीं थे और ज्यादा रिच भी नहीं थे दे कु बाई थिंग्स लाइक बुक्स बिकॉज दे मेड मनी फ्रॉम जॉब्स लाइक ट्रेडिंग ऑल्सो ये जो मिडिल क्लासर थे इन्होंने अपने जैसे लाइफ्स के ऊपर जो बुक लिखी गई उनको पढ़ना ज़्यादा पसंद किया नॉट जस्ट अबाउट किंग्स एंड वॉरियर्स मिडिल क्लासर जैसे जैसे सोसाइटी में प्रमिनेंट और इन्फ्लुन्शल होते गए तो इनका जो प्रभाव था सोसाइटी में वो ज़्यादा डोमिनेट होने लगा देट्स वाई जो राइटर्स थे वो उनके टेस्ट के मुताबिक अपने वर्क्स को लिखने लगे तो नॉवेल्स जो कॉमन लाइफ्स के ऊपर लिखी जाती थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और ये एक मेन रीजन था जिसने नोवल को एटीन सेंचुरी में इतना फेमस बनाया ना रीजन नंबर टू इम्प्रूव्ड लिटरेसी रेट सो इन एटीन सेंचुरी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया मतलब जैसे बिफोर एटीन सेंचुरी Uh, ज़्यादातर रिच और जो रिलीजियस लोग होते थे वही स्कूल जाना अफोर्ड कर सकते थे बट आफ्टर एटीन सेंचुरी ज़्यादा से ज़्यादा कॉमनर्स भी uh, लिखने पढ़ने लगे सो so, इससे जो बुक्स की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी लोग वैसी बुक्स पढ़ना पसंद करने लगे जो ईजी भी थी और जिनको पढ़ना बहुत मज़ेदार भी था सो दैट्स वाई नावल्स जो थी वो लोगों की एक फेवरेट चॉइस बन गई तो ये जो न्यू रीडर्स के जो एक वेव थी इसने नोवेल्स के सेल को एक बूस्ट दिया जिससे uh, नए ऑथर्स ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया फॉर द फॉर दिस लार्ज ऑडियंस सो द ग्रोथ ऑफ रीडिंग चेंज द वर्ल्ड ऑफ बुक्स फॉर एवर सो रीज़न नंबर थ्री प्रिंटिंग एडवांसमेंट इन एटीन सेंचुरी हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला इन हाउ बुक्स वेयर मेड तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पहले बताया था कि एटीन सेंचुरी से पहले की जो मेथड्स थी फॉर प्रिंटिंग बुक्स वेयर क्वाइट स्लो एंड ओल्ड बट एटीन सेंचुरी के टाइम पे जो न्यू प्रिंटिंग मेथड्स बने इसने बुक को छापना और भी ज़्यादा ईजियर बना दिया और एक बड़े अमाउंट में बुक्स प्रिंट होनी शुरू हो गई अब बिकॉज जो प्रिंटिंग की जो मेथड थी जो टेक्निक थी वो इतनी इजी हो गई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बुक छपने लगे तो इससे बुक की जो प्राइस थी वो भी बहुत कम हो गई चीप प्राइस में बुक सेल होने लगे इससे कॉमनर्स जो थे वो भी बुक्स को आसानी से खरीद सकते थे नाउ रीज़न नंबर फोर इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल स्टोरीज सो बिफोर एटीन सेंचुरी लोग ज़्यादातर ग्रेट हीरोज रॉयल फैमिलीज गॉड्स के ऊपर स्टोरी पढ़ना पसंद करते थे बट जैसे जैसे मैंने पहले थोड़ी देर कहा कि मिडिल क्लास का जो राइज हुआ उससे लोगों का इंटरेस्ट जो हीरोज गॉड्स एंड रॉयल्टी के ऊपर था इंडिविजुअल में शिफ्ट होने लगा मतलब लोग अपने जैसे लाइफ्स के ऊपर जो बुक्स छापी गई उसको ज्यादा पढ़ना पसंद करने लगे अब ऑडियंस वही घिसी बिटी सी स्टोरीज पढ़ के बोर होने लगी तो अब उनको कुछ नयापन चाहिए था जो इन इंडिविजुअल स्टोरीज से उनको मिल रहा मिलता दीज आर सम रिजन जिसकी वजह से एटीन सेंचुरी में नॉवल्स को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली सो so ये रहेगा इस वीडियो का पार्ट वन बिकॉज अगर मैं फोर व्हील्स को इसमें ऐड करती हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है वीडियो तो पार्ट टू में मैं बात करूंगी फोर व्हील्स ऑफ नॉवल के बारे में सो हेयर द एंड ऑफ द वीडियो गाइज आई होप की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट थम्स अप एंड ऑल्सो डो कमेंट श्योर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट टू में टिल दैन स्टेट बाय बाय